स्वरोजगार हेतु खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग भोपाल द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन शिवपुरी में 10 जनवरी 2023 को खाद्य ग्रामोद्योग भोपाल द्वारा आईटीआई शिवपुरी में स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में खाद्य ग्रामोद्योग आयोग भोपाल के प्रतिनिधि सुंदरपाल सिंह ने अवगत कराया कि विनिर्माण उद्योग के लिए अधिकतम 50 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख तक बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किए जाएंगे, स्वीकृत किए जाते हैं, जिस पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत पर 15 से 35% तक अनुदान दिया जाता है। साथ ही उपस्थित छात्रों और अन्य आगंतुकों को योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड शिवपुरी से बीरबल शाक्य और अनिल पाराशा, जिला उद्योग केंद्र से योगेंद्र दनोरिया द्वारा भी योजना संबंधी जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित रहे सेवानिवृत्त उप संचालक श्री केशव सिंह राजपूत जी ने सभी छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एन के मंसूर वाले प्राचार्य आईटीआई शिवपुरी ने भी छात्रों को अपनी तकनीकी शिक्षा पूर्ण कर अधिक से अधिक स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित और जागरूक भी किया। मेरा नाम सुंदरपाल सिंह है, खादी ग्राम उद्योग आयोग भोपाल से। जी सर, आपके द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, किस प्रकार क्या कार्यक्रम है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। जी तो ये कार्यक्रम आईटीआई शिवपुरी में रखा गया है और ये योजना 3 विभागों को के द्वारा संचालित की जाती है, खादी ग्राम उद्योग आयोग, मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इस योजना का संचालन किया जाता है। इसमें क्या क्या एक्टिविटी रही और क्या क्या इनको लाभ मिल सकता है? इसमें दो तरह की एक्टिविटी इस परियोजना में लगती हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोजेक्ट, जो विनिर्माण को चीज़ बनाते हैं, उद्योग लगाते हैं, वो 50 लाख तक बैंकों के माध्यम से प्रोजेक्ट स्वीकृत होते हैं, और दूसरा सेवा उद्योग, जो 20 लाख तक के प्रोजेक्ट बैंकों के माध्यम से स्वीकृत होते हैं। और इन कैंडिडेट्स को, जो ग्रामीण इलाके के कैंडिडेट्स हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक्स सर्विसमैन और महिलाएं हैं, उनको 35% सब्सिडी मिलती है KVIC की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से, और जो शहर के लोग कैंडिडेट्स हैं और रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए 25% सब्सिडी होती है। जो सामान्य जाति के पुरुष हैं गाँव के लिए, उनके लिए 25% सब्सिडी और शहर में प्रोजेक्ट लगाने के लिए 15% सब्सिडी होती है। सर, छात्र छात्राओं के लिए कोई और कोई मैसेज? नहीं, छात्र छात्राओं के लिए यही योजना है। ये छात्र जो अभी टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेने के बाद, कोई इलेक्ट्रिशियन में है, कोई आपका प्लम्बरिंग में होगा, तो इस तरह के जितने भी टेक्निकल कोर्स कंप्लीट करने के बाद बच्चों को कुछ सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ना, तो स्कीम के माध्यम से वो अपना उद्योग धंधा लगा सकते हैं और अपने साथ साथ रोजगार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। थैंक यू।